इस इतना बार बार क्या बोल रही है आप लोग, अगर सुनाई दे रहा तो आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना सर। ये छोटा सा ना जंगल है यहाँ का जी। मैं कौन ही कौन ये क्या बेटा क्या गिरबला मार रही हो ऐसे ये चीज लपेट दो सो कहीं उड़ ना जाए। चुप करना अपना सा कोट क्या कहां टूरे आओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों की सैर करने। अपने तो नहीं है, लेकिन बंदा जहाँ पर चले अल्लाह की ज़मीन पर वो अपनी ही होती है। तो अभी ये खैर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे खेत हैं और यहाँ पर सारी गंदम उगाई हुई है, और अभी गंदम इतनी बड़ी नहीं हुई, बहुत छोटी छोटी सी गंदम है, और यहाँ पर बोलते हैं कनक उगाई हुई है, मतलब कनक लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी इतना तो वो नहीं है, और वो वहाँ पर ना वो लगा हुआ है, वो जो नहीं खड़े करते हैं फसलों के अंदर पुतले बना खड़े करते हैं, तो यहाँ पर ना वो पुतला उन्होंने बनाया हुआ। तो अभी जाकर उसके करीब मैं वीडियो बनाऊँगी। तो हम लोग आज ना एक्चुअली तो हम लोग यहाँ पर आए थे आज साग तोड़ने, लेकिन काफ़ी दूर से हम लोग आए चल चल के, लेकिन ना साग वाग तो कोई मिला नहीं हमें। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ा बहुत शूट ही कर लेते हैं, और साथ में अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊं कि आज हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और ये देखें सर्दी की वजह से ना इन्होंने भी बंद किए हैं ट्यूबवेल वगैरह भी, क्योंकि सर्दियों में तो इतना पानी नहीं लगाना होता, ऑलरेडी इतनी सर्दी की वजह से सूखते नहीं पानी, तो आज के लिए भी बंद हुए हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा चलो मैं इसको कैप्चर कर लूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये मेरी टीम थी जो आज साग तोड़ने आई थी मेरे साथ, पिछले व्लॉग में तो आपने देखा था जो टीम थी मेरी छोटी मोटी, इस बार तो थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े बंदे लेके आए, लेकिन ना बड़े बंदे लाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे साग मिले ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा जामुन लगा हुआ है इसके ऊपर, और मैं ये पूछ रही थी कि इसके ऊपर बूर नहीं लगा जामुन का, तो उस्मान बोलता है अभी कहाँ से बूर आ गया सर्दियों में तो नहीं ना आता। मैंने कहा चलो माई मिस्टेक, कोई बात नहीं। और अभी हम लोग एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, वो हम लोग सामने जा रहे हैं वहाँ पर आपको दिखाती हूँ। चलो जी मेरी मेरी बकरी हो, चलो जी तुम लोग मेरे पीछे लगो, मैं आगे जाऊँगी। हाँ तुम लोगों ने जो बोलना हो तुम लोग बोल सकते हो बेधड़क होके, कोई मसला नहीं है। हाँ हाय 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 स्मेल आ रही है परफ्यूम लाया हो यार चलो खैर ही यार, फिर इतना तो करना ही पड़ता है ना। तो ना ये ना कुछ जंगल टाइप का था, मैंने कहा इसको ना मैंने कैप्चर करना है, और मैंने तो पहली बार ही देखा था ना ये सब कुछ। और अब 1 2 3 टन टन, ये देखें ये व्यू चेक करें, सामने अभी यहाँ पर बंदर भी आ जाएंगे। ये छोटा सा ना जंगल है यहाँ का, हाँ आपको आवाज़ आ रही होगी परिंदों की। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर रहते हैं शेर, हाथी, चिड़िया, कबूतर और कौवे, और इसके अंदर सब्जी भी लगी हुई है। हाँ और वैसे भी हमसे बड़ा जानवर कौन होगा यहाँ पर हाँ सबसे बड़ा मैं हूँ जानवर। और ये देखिए आप, वैसे ना यहाँ पर टिकटॉक शूट के लिए बहुत मजे का ये है, थलमी वेहलमी थले तो भी लग जान दे हाँ उधर सड़क भी है। और अभी इसके अंदर से जा रहे हम लोगों ने क्या नहीं जाना है तो चलो। अच्छा साड़ी की ऐसी टोरी पहना है, आए वैसे तो मजा ही आ रहा है, अभी कोई शेर गिद्दर ना को निकल आए। ये परिंदा कह रही है इधर कौन से, ये भी इनको बता दे। हाँ इधर कौन से लगे हैं उस्मान से, सुपाइदा सुपाइदा लगा हुआ है यहाँ पर, सुपाइदा आए थे वाइट हाँ ये सुपाइदा लगा हुआ है। हाँ मुझे बताता रहा ना, मैं नीचे नहीं देख रही ना, मुझे बताता रहा नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है। हाँ मारे ना है तो साग पटने अच्छा
क्या हुआ है? और उसको देखो कितनी दूर है अभी तक। चलो यार, मेरा तो हालत भी बहुत खुश हो रहा है, इतनी दूर हम लोग चल के आ रहे हैं। एक बॉटल पानी की लानी चाहिए थी वैसे मुझे ना, कह रही है पड़ी है पानी की बोतल। यार नहीं यार, ये कोल्ड ड्रिंक है, मैंने नहीं कोल्ड ड्रिंक पी, मुझे पहले सर्दी लग रही है। और ये हमारा अब जंगल का सफर ये खत्म हो रहा है, और हम लोग ना अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल सही सलामत इस जंगल से बाहर निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं आई थिंक। तो परिंदे बुड़ गए, शेर भाग गए, और जो थे गिदड़, गिदड़ वैसे चीखे मार के भाग गए बाहर। अब क्या नजर आ गया, अब इंसान बन यार। चलो जी, क्या बेटा क्या देख लिया आप लोगों ने, क्या देख लिया? बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा इधर नहीं बोला तो ये लोग। आय माँ, क्या देख लिया आपने? क्या देखा है वो? आय माँ तो शर्मा, इस इतना बार बार क्या बोल रही है? आप लोग अगर सुनाई दे रहे तो आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, सही है ना? इधर क्या है बेटा? चलो किधर बेटा? अभी इधर से तो आए हैं हम लोग, अब किधर जाना है? एक बार सारा इधर से राउंड निकला ले। कहाँ से राउंड निकालना है? अच्छा धूप थोड़ी बहुत आज निकली हुई है, और अभी ही निकली थी, लेकिन अभी दूर दूर धुंध नजर आ रही मुझे। वो मेरे ख्याल से वो ना दरबार है, दरबार नहीं अस्पताल है। ये हॉस्पिटल का इतना बड़ा मीनार निकाला हुआ है। अच्छा मस्जिद है वो, कह रही अस्पताल है। अच्छा अंदर अस्पताल के अंदर। अच्छा इसके ऊपर भी चले जाते मीनार के? अरे हम पर मेरा ध्यान दिल को नहीं करता पा, क्योंकि सारे खड़े हो जाओ, बस इतना क्लोज मत होना। तंजीर लगा हो तू, तंजीर इधर आ, एंड करो एंड कैमरा होना। ओए ओ खैर, ये चढ़ अब ऊपर है, क्या हुआ? पुत्र की होया इन्हें कोई चा सी? चलो जी, उस्मान कह रहा है वो कौन सी चीज है जो पैदा होते सार उड़ जाती है? अच्छा वो कौन सी चीज है जो पैदा होते सार ही उड़ जाती है? बताओ जल्दी से। क्या 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 इधर बताना ऑडियंस। धुआं? नहीं धुआं नहीं है, एक और चीज है बहुत खास है। बताओ बताओ अब। नहीं तुमने पहले क्या बोला वो बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे तो वही है। अलीजा तुम बताना क्या था, क्या क्या चीज थी जो पैदा होते साथ ही उड़ जाती है? माखियो बताएगा आपको, बताओ क्या? माखियो? माखियो नहीं पागल, चल बता अलीजा फटाफट बता, चले फिर अब बताओ बताओ। वो भी हाय हेलो कर रही है। हाँ हाँ हेलो आंटी, हाउ आर यू? आंटी नहीं पर सादा दीदी है ना। अच्छा चलो जी बताओ, आपने मुझसे जवाब पूछना है? हाँ तुमसे ही पूछना है, आप व्यूअर्स से पूछे ना। चलो व्यूअर्स आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि वो कौन सी चीज है जो पैदा होते साथ ही उड़ जाती है। अबे बता ना, धुआं? धुआं तो नहीं था ना, अभी वो व्यूअर्स बताएंगे हमारे। क्या चूहा मीटिंग चल रही है, क्या चूहा मीटिंग चल रही है? कौन है फिर, तुम दसो। हाँ हाँ ले लो, ये दो बाजियां जा रहे हैं साग तोड़ने। बाय बाय, खैर हो गए और कुछ है ले और। हां ये तो गल है, हाय अल्लाह यार इतने पैर, हाय अल्लाह नहीं यार अल्लाह, आगा निकलो यार, अली मदद करो। शुक्र है शुक्र है, कोई अपड़ भी नहीं। पत्ते भी कूले नहीं, ये जरी जरी सा साग तो लीजा भी पाठने लगी है।
अपना घर नहीं ना, इसको अपना समझना। अपना घर तो हमारा शहर में है। उस्मान कुछ मिला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अच्छा तुम्हें क्या मिल रहा है? इतनी तेजी से बोल रही, मुझे मिल रहा है। आय माँ क्या बात है, आपको नहीं कुछ मिल रहा? इधर देखो आपको नहीं कुछ मिल रहा? आय माँ की तो फूलों में नजर होती है। वो आंटी और अंकल जा रहे हैं। बस ठीक है इनफ। जी क्या बोल रही हो? तो बेटा अब ना साथ लो वो। सोखा काम। की वगी? कौन वगी? कैसे वगी? था उधर। अच्छा कैसे? काट के दिया था इन्होंने। फिर क्या हुआ? आंटी आंटी रुखसाना को। फिर तो उन्होंने सुबह अपनी खाला रियाज के ना गांव को डाल दिया। खाला रियाज के गांव को डाल दिया? भैंसों को नहीं डाला था, गांव को डाल दिया पूरा गांव। हां मैं तो त्रोड़या तो पुत्र आई त्रोड़ना तेरा पता चल जाएगा। मेरी बात त्रोड़या नहीं, मैं कभी नहीं। इनिया तो नालो जड़ा भी लगती आउंदी है। हां लीजा एक जूती इते छाड़ गई है। लीजा एक तुम्हारा शूज इधर रह गया यार। मैंने स्लीपर पहने हैं यार, नहीं पहने ये देख लो। तो यार वही तो बोल रहे शूज तेरे इधर रह गए, स्लीपर तूने पहन लिया। हम ये बोल रहे अपने ध्यान से शूज ना ले जाना साथ, ये नहीं छोड़ जाना पहलियों में। आयमा आयमा टोपी उतार के चादर ले रही। आयमा क्यों बेटा टोपी भारी पड़ गई है? हैं कौन? क्या बात है चादर कौन? दादो दादो इधर किधर आ गई? ओए साग उतार रही है। चलो 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 चादर में डालो फटाफट साग डालो डालो। ऐसे लीजा आयमा को देखो ऐसे, अच्छा वही साग उतार दिए ऐसे, ये चीज लपेट दो सो कहीं गुड़ ना जाए। हाँ ऐसे ये चीज सिद्धरा देख लो, तुम्हें नहीं आता साग? आयमा को आ गया, छोटी सी बच्ची को। हाँ देख लो। हाँ ये चीज आयमा ये चीज कर दो इधर इधर आयमू ये चीज कर दो। हाँ ये चीज ओ गया जे साग उड़ पड़ गया जे। हाँ और ना सटिंग कुड़ गया इधर। सर्दी ना काफी अब हो गई, सूरज जैसे से गुरूब हो गया ना तो सर्दी काफी ज्यादा होने लग गई है और ना ठंड ठंड महसूस हो रही है, वो हाथ ऐसे ठंड से सुन होने लग गए अब तो। आई मू बेबू सर्दी नहीं लग रही कौन? दद्दी। अच्छा जी दद्दी। हाँ कितना सा हो गया है? लीजा का तो कुछ बनता ही नहीं जितना मर्जी साग हो जाए उस। हाँ कितना ले गए? कितने दिन खाया था? सुबह अल्लाह चार दिन झूठ बोल रही है। चार दिन इस तरह से खाया था हमने कि हमने एक दिन साग बना लिया चावलों के साथ, फिर उसके बाद हमने बीच में कुछ और चीज बना ली, फिर हमने उसके बाद फिर साग खा लिया, फिर हमने कुछ और चीज दो दिन बना ली उसको फ्रीज कर लिया था ना इसलिए। तो अब ये देखिए औरतें इकट्ठी हो गई हैं गप्पे शप्पे मारने के लिए। बस गाँव की औरतें फिर आपको पता ही है सारी गप्पे हैं कि हाँ कहीं इतनी शौकीन होती तो फिर वो सारी ऐसे ही घर जमा पूंजी हो जाती है। हाँ वही कितने को पहुंच गए हो? चलो जी बस। ना ये क्या किया? चल पाओ काकू है ना क्यों ठंड नहीं बन गई?
ठन आयमा को देखो, खैर से उसने साग सारा इसमें डाल के दोबारा उसको नीचे फेंक के चादर की बुकल मार ली है और टोपी भी अपनी उतार दी। खैर से बस बुरी बात आयमा, बुरी बात, सर्दी हो रही है, टोपी पहन लो जल्दी से। चलो जी आप दादो बन रही हो? हाँ दादो बन रही हो। अच्छा जी, ओ वो भी आके हमारी हेल्प करवाने लग गई। मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो बाजी है ना हमारी आपी, वो भी हमारी हेल्प करवाने लग गई साथ आके। वो हेल्प एक्चुअली इसलिए करवा रही हैं कि उन्होंने ना आपस में थोड़ी सी ना चूहा मीटिंग करनी थी आपस में, उन्होंने थोड़ा सा वो गप्पे शप्पे मारनी थी, तो इसलिए वो बच्ची घर पर देख कर फटाफट चला के हमारी हेल्प करवाने लगी है। गप्पे मारने की वजह से इतनी शौकीन होती हैं गांव की औरतें गप्पे मारने की। इतना सारा साग लीजा ने तोड़ लिया और अभी भी कह रही है यार मेरा दिल नहीं चाह रहा साग तोड़ने को। जी मैं कौन ही कौन ये क्या बेटा क्या गिरबला मार रही हो? नहीं हूं सिद्धरा ना मेनू बनने आंदे को नहीं, मैं कदी बनी ही नहीं। आज पता लग नहीं जाना फिर आज पता लग गया ना किने कहते आज बन हाँ सहेली सहेली ने को काम ने बैठना है। ए पेंडा हाँ ए पेंडा लीजा ने चुकना है। मैंने बड़ा शौक हाँ शौक बेटा पूरा हो जाए कभी, जब जाओगे ना इतना पैदल चल के घर तो ये बन गया साग बंद गया। अब ये अब मैंने पंड सर पे उठा ली है, फीलिंग सो हैप्पी। हाँ सो हैप्पी अम्मी मेरी साग की फीलिंग सो हैप्पी यार, मेरे चादर देखो अस्तफुल्ला। अब मैं ऐसे ऐसे जाफा मार लूंगी। मार लो मार लो जाफा मार लो, ऐसे जोक मार लूंगी जाफा। हम अब ऐसे इसको जाफा मार लेंगे घर जाके इसको कूतर लेंगे, सही है? अच्छा जी, सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है और हम भी अब घर पे पहुंचने वाले हैं। पहुंचने तो नहीं खैर वाले, बहुत दूर है अभी यहाँ से और जो धुंध है ना वो भी गिरने लग गई है। ये देखा यहाँ पर धुंध भी गिरने लग गई है। ओ वाह ये कितने प्यारे प्यारे मुर्गी के चूजे ना। आयमा क्या देख रही हो? क्या देख चलो आ जाओ। और ये हमारी दोनों तरफ गंदम उग रही है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना ये सारा मोहल्ला है, ठीक है? और इस मोहल्ले क्या नाम है उस्मान जी? जी बिल्कुल, क्या नाम है इस मोहल्ले का? इस मोहल्ले का ठट्टा हरगना दा। हरगना दा, ठट्टा हरगना दा। अच्छा ठट्टा हरगना दा, इस मोहल्ले का नाम है ठट्टा हरगना दा, ठीक है याद रखना है आपने। उस्मान बेचारे को बताने में ना इतना नर्वस हो रहा है, इतना शर्मिंदा हो रहा है कि जैसे कि इनका ही ठट्टा है, ये इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? होते नाम और गांव में तो अक्सर ऐसे ही नाम होते हैं ना, ठट्टा हरगना दा, ठट्टा राम किला, तो ठट्टा पता नहीं क्या क्या, ठट्टा रोड़ियां दा, और क्या ठट्टा सिकंदर दा, और ठट्टा कांजुआ दा, ठट्टा मालटिया दा, तो यही सारे। और ठट्टा साग दा नहीं अजे तक बनया, ओ अजी उगदा पिया तां वास्ते। यार हाथ इतने सर्दी से मेरे अब ठंडे हो रहे ना और सुन हो रहे ठंड की वजह से हाथ मेरे अब। चलो आपने तो साग भी नहीं तोड़ा। क्या आपने तो साग भी नहीं तोड़ा, तो इसलिए तो मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। फारिग रहना कोई आसान बात है? बहुत मुश्किल काम है। आज मेरे पार्लर से छुट्टी हो गई है। क्यों? चलो ना अपने साग तोड़ना था ना। आओ इतनी कुर्बानी, सालन दिखाना है? नहीं सलूना। हाँ बात यहाँ
ठीक है। कौड़ी पंजाब में ना काफी सारे नाम है सालन के, सालन, सलूना, पुन्नी और तोड़ी। आयमा क्या तोड़ी, तोड़ी, सलूना, तोड़ी, चढ़िया। आयमा को भी सारे नाम आ गए। तो फाइनली अब थक हार के हम लोग घर पहुंच गए हैं और अलीजा ने ये पंड रख दी यहाँ पर। हाँ अलीजा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा। कैसा लग रहा है? पता नहीं आपको क्या बताऊं, गर्दन मेरी थक गई है, ये उठा उठा के पढ़। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और आपने करना है बहुत तो बहुत ही मुश्किल से हमने ये वीडियो शूट किया आपके लिए। और आपने वीडियो कर देना है लाइक और एक अच्छे से कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। सुनके औरतों ने गप्पियां शुरू कर दी दीवार पर चढ़ के, तो शोर काफी आ रहा है, तो ठीक है मुझे ये क्लोज ही कर देना चाहिए। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।